हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वायरस के चलते आपके दिलो दिमाग में तमाम तरह की शंकाएं होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के जो वीडियो हैं वो वायरल किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी एक बात कहें तो वो जुड़ी हुई है दूध और दूध से जुड़े हुए उत्पादों को लेकर। तो ऐसे में जब कोरोना वायरस का कहर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ऐसे में आपके और हमारे घर तक पहुंचने वाला दूध आखिर कितना सुरक्षित है? हमारे साथ खासतौर पर बातचीत करने के लिए मदर डेयरी के MD संग्राम चौधरी जी हैं। संग्राम सर, कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके का पूरा आलम भारत में और दुनिया भर में फैला हुआ है, दूध एक एसेंशियल कमोडिटी है जो रोजाना सबके घर पर पहुंचती है। मदर डेयरी सबसे बड़ा सप्लायर है दिल्ली NCR में। कितना दूध आप रोजाना सप्लाई करते हैं और फिलहाल कोरोना वायरस के चलते ये दूध कितना सुरक्षित है? हम पूरे देश के कोने कोने से करीबन 4.5 मिलियन लीटर्स यानी कि 45 लाख लीटर दूध इकट्ठा करते हैं, और ये 25,000 गाँव से आता है, और ये कुछ कुल मिला के 10 राज्यों से 10 लाख किसानों को के घरों से आता है, और इसको यहाँ हमारे दिल्ली NCR के 12 प्लांटों में प्रोसेस किया जाता है। और ये हमारे प्लांट काफ़ी हाइजीनिक है और हम पूरा ख्याल रखते हैं कि इसमें कोई भी प्रकार का कोई हाइजीन की कमी ना रहे। पॉलीथीन बैग्स का जो दूध है, मैं सबसे विनती करूंगा कि उसको पॉलीथीन बैग को लेके घर पे धो के उसको वॉश करके ही यूज़ करें, और हालांकि ये पूरा सेफ है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं। चिंता का विषय नहीं है जैसा आपने बताया, लेकिन जब से कोरोना वायरस का कहर जो है वो चाइना में, फिर उसके बाद में इटली में, US में आना शुरू हुआ था, तो उसके बाद से मदर डेयरी ने क्या कुछ एहतियात बरती हैं और फिलहाल जो नॉर्मल डे प्रैक्टिसेस रहती थी उसके मुकाबले अभी क्या कुछ एहतियात मदर डेयरी की तरफ से बरती जा रही है? जैसे जैसे हमें पता चला कि इस देश में भी जैसे जैसे मामले सामने आते गए, इसके बाद में हमने बिजनेस कंटीजेंसी प्लान बनाया और पूरी सप्लाई चेन को सेंसिटाइज किया। फ्रॉम विलेज से हमारे जो फार्मर्स भाई बहन हैं और हमारे मिल्क कलेक्टर्स हैं और कोल्ड चेन के ऑपरेटर्स हैं, टैंकर ऑपरेटर्स हैं, हमारे कुछ 750 टैंकर ऑपरेटर्स हैं जो रोड पे अप्लाई करते हैं, और इन सबको हमने एक प्रोटोकॉल समझाया और कहा कि भाई इस महामारी के सामने लड़ने के लिए हमें हाइजीन और सैनिटाइजेशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अब हर जगह पे हमने सैनिटाइजर्स लगाए हुए हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स वॉल पे भी लगाए हुए हैं, और जहाँ पर मास्क की ज़रूरत है वहाँ मास्क दिए हुए हैं, जहाँ ग्लोव्स की ज़रूरत है वहाँ पर ग्लोव्स का इंतजाम किया गया है, और हम हमारे आने वाले सारे कर्मचारियों का टेम्परेचर रेगुलरली प्लांट में लेते हैं, कहीं कोई टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उनको हम होम क्वारंटाइन होम में आइसोलेट में घर पे रहने घर से काम करने के लिए बोल दिया जाता है। और ये पूरी सिस्टम जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश को निवेदन करके जिस तरह से तैयार किया है उसको लेके हम अनुशासन के साथ पूरे रात दिन लगे हुए हैं और हम आपूर्ति बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ सारे उपभोक्ताओं को कि हम मदर डेयरी आपके साथ है, मदर डेयरी का सारे एम्प्लॉयज़ और पूरा नेटवर्क इनके लिए सेवा में है, और दूध की चीज़ों की कोई आपूर्ति में कोई कमी नहीं आएगी। फल और सब्जियों के भी 350 आउटलेट्स हम दिल्ली NCR में चला रहे हैं, और हर रोज़ पहले हम करीबन 200-225 टन सप्लाई करते थे, डिमांड 400 टन तक गई तो भी हमने सप्लाई चालू रखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के घरों से, मंडियों से, जहां भी हो सके हम फल और सब्जी को आपूर्ति बनाए रखें और आप तक पहुंचाते रहें। सर, जैसा कि आपने कहा कि शुरुआत में पैनिक बाइंग हुई थी तो तब डिमांड कितनी चली गई थी और एवरेज डिमांड दिल्ली में कितनी रहती थी, और फिलहाल क्या स्थिति मिल्क को लेकर बनी हुई है दिल्ली NCR में? जब पैनिक बाइंग हुई थी तो करीबन 25% डिमांड ज़्यादा आई थी और करीबन 4 मिलियन लीटर दिल्ली NCR की डिमांड बढ़ गई थी, जो अभी नॉर्मलाइज हो रही है, अबाउट 3-3.2 मिलियन लीटर्स पर डे तक आ गई है, और ये नॉर्मलाइज रहेगी। मिल्क के अलावा भी घी है, पनीर है, और चीज़ें हैं वो भी हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। धारा ऑयल
जो भी आपूर्ति मदर डेयरी करती है उसको भी हम हमारे बूथ पे बनाए रखते हैं, और जहाँ भी स्टॉक की कोई भी हमें जानकारी मिलती है कि स्टॉक कम है तो हम हमारी लॉजिस्टिक टीम्स के द्वारा घंटे दो घंटे में उसकी आपूर्ति करने के लिए मिल्क की तैयार रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दूध एक वो असेंशियल कमोडिटी है जो रोज आपके और हमारे घर तक पहुंचती है, और अगर मदर डेयरी की बात करें तो पूरे के पूरे सिस्टम को सैनिटाइज किया गया है जिससे आपके और हमारे घरों तक पहुंचने वाला दूध पूरे तरीके से सुरक्षित रहे। हालांकि उसके बावजूद मदर डेयरी की आपको सलाह है कि अगर आप पैकेट वाला दूध लेते हैं तो घर पर पैकेट खोलने से पहले पैकेट को साफ तौर पर धो लिया जाए। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, नोएडा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।